कुछ पन्नू की बात करते हैं। एक लड़की का नाम सुना, हार्डकोर जो गाने गाती, बिल्कुल सुना, वीडियो निकालिए, उसकी वीडियो निकालिए, उसका लिबास कैसा है, तन पे उसके कितने कपड़े हैं, कहते सरदारों की लड़की है, उसके साथ तो पन्नू खड़ा होके और दो सिख और भाई जिन्होंने गुरु महाराज की, हमारी दस्तारे तो कुछ भी नहीं, सुंदर दस्तारे जिनको मैं असली दस्तारे कहता हूं, दस्तार गुरु महाराज की पवित्र, बिल्कुल, और खड़े हैं उस लड़की से जो तन पे कपड़े नहीं पहनती, गंध फैलाती है, उस पन्नू की बात करते हैं। काहे का पन्नू धार्मिक है, पहले तो गुरु महाराज का सिख ही नहीं, वो सिख गुरु महाराज का हो नहीं सकता, और विदेशों में बैठा हुआ खालिस्तान के नारे लगाने वाला सिख, आम सिख की बात नहीं कर रहा हूं, जो भड़काते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, ये पन्नू पुन्नू पंजवड़ पुंजवड़ अब है कहां बताएं ना। नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, मैं सवाल, या पंजाब के सीएम हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने खुलवाया करतारपुर का रास्ता कभी ना खुलता, ये बड़े बड़े अपने आप ले रहे हैं, हमने करतारपुर का रास्ता खुलवाया, एक तरफ 350 आतंकवादियों को मारा, कैंप उड़ाए, 15 मिनट में घुस करके मार के वापस आए, दूसरी तरफ करतारपुर था, पर नरेंद्र मोदी जी को सिख धर्म से प्यार था, उन्होंने कहा करतारपुर साहब खुलेगा, कितनी भी फौज की जंग हो पाकिस्तान के साथ, वादा किया तो खुला। सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम हैं जो बाहर से, उनको क्यों नहीं रखा गया, सवाल सिर्फ सवाल मेरी बात सुनो, पंजाब के अंदर हमारे सिख भाइयों की हालत क्या है, नाम लेते अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नमस्तक करने लग जाते हैं, और वहाँ पे कोई व्यक्ति मुस्लिम वहाँ पर उठ करके कह दे कि इसका नाम बदल देंगे, इसकी माँ ही ऐसी की तैसी, ये कैसे नाम बदल देगा। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, वो लोग ये कह रहे हैं माफी मांगने से क्या होगा, मैं अगर होता, मैं माने या ना माने, जो कहता हूं करके दिखाता हूं, मेरी टांगे ठीक होती है, पाज ना था थाले को मार के टुकड़े करके आता ना वही जीवन देता। हम तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वोट के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, वोट के लिए लुच्चे सौदे को माफ कर दे, लोग तो सच्चा सौदा का, मैं को लुच्चा सौदा कहता हूं। आप बार बार सच्चा सौदा का जिक्र करते हैं, आपने सच्चा नहीं लुच्चा, आपने शब्द दूसरा लिया, लेकिन बात यह है कि अभी हनीप्रीत बाहर आ गई है और राम रहीम, जो गुरमीत राम रहीम है, उसकी जमानत की कोशिश चल रही है, तो आपने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, लुच्चा सौदा डरा और उसके बार बार नहीं आया। हाँ, वो लड़की बार आई है, ननकाना साहब का वो कातिल, वो काफिर, और लुच्चा सौदा हम कभी माफ नहीं कर सकते, और जो सिख उसको माफ करता है वो सिख गुरु महाराज का हो ही नहीं सकता, जो भड़काते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, ये पन्नू पुन्नू पंजवड़ पुंजवड़ अब है कहां बताएं ना। अगर सिख कौम की बात आएगी तो उसको कोई ऐसे देखेगा तो वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिखों को कह दो ये फलाने थे, ये फलाने थे, नहीं, सिख कौम एक अलग मार्शल कौम है, ये कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई है। पंजाब से बढ़िया, हरियाणा से बढ़िया, दिल्ली से बढ़िया कश्मीर होगा, मेरे से लिखवा लो। अभी के हालात क्या क्या देखते हैं, क्योंकि अभी लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, कौन से विरोध कर रहे हैं, इंटरनेट बंद था बेटा साहब, इंटरनेट बंद है, इंटरनेट क्यों ना बंद करेंगे हम, क्यों ना इंटरनेट बंद होगा, वहां रोज जवानों के कतलेआम नहीं, क्या नहीं, लोगों को जीने का हक नहीं है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब पर एक फिल्म बनने जा रही है, उसमें क्या कंटेंट रहेगा, क्या देखने को मिलेगा दर्शकों को, कोशिश होगी कि कई चीजें पॉलिटिकल टेररिज्म के ऊपर बताई जाएंगी, शहीदों को इंसाफ नहीं मिल रहा वो भी बताया जाएगा। जिंदर सिंह बिट्टा का पूरा इंटरव्यू देखो दिन ऐतवार तारीख 26 जनवरी दोपहर ठीक 2 बजे सिर्फ जगबानी टीवी।